नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बोल राजस्थान पर। राजस्थान में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की दूसरी सूची सामने आ चुकी है। आरएलपी ने दूसरी सूची जारी कर दी है और दूसरी सूची के अंदर भी 11 कैंडिडेट हैं जिनको आरएलपी ने उम्मीदवार बनाए हैं, जहां पर निवाई से प्रहलाद नारायण बेरवा को टिकट दिया गया है, तो देवली उनियारा से डॉक्टर विक्रम सिंह गुजर को आरएलपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, तो पुष्कर से अशोक सिंह रावत हैं, मसूंदा से सचिन जैन सांकला को टिकट दिया गया है, तो डिंग कुमार से मनसुख सिंसनी को टिकट दिया गया है। वहीं जमुआ रामगढ़ की बात करें तो यहाँ पर रमेश सोलंकी को मैदान में उतारा है और नीमका थाना से राजेश कुमार मीणा को टिकट दिया गया है। वहीं दूदू से आरएलपी ने हनुमान प्रसाद बेरवा को मैदान में उतारा है। कोटपूतली की बात करें तो यहाँ पर सतीश कुमार मंडैया को टिकट दिया गया है। वहीं दाता रामगढ़ से महावीर बिजानिया को टिकट दिया गया है और अंतिम नाम लक्ष्मणगढ़ से सामने आ रहे हैं, जहाँ पर विजयपाल सिंह बगड़िया को आरएलपी ने उतारा है। आपको बता दूं कि इससे पहले ही आरएलपी ने एक सूची जारी कर दी थी जिसके अंदर भी 11 नाम शामिल थे और अब दूसरी सूची का इंतजार कर रहे लोगों के लिए उनका इंतजार खत्म हो चुका है और आरएलपी की दूसरी सूची जो है वो सामने आ चुकी है और दूसरी सूची के अंदर भी 11 नाम शामिल है जिनको आरएलपी ने 2023 के राजस्थान के विधानसभा चुनाव में उतारा है।